और अब इस वक्त की दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ, एक खबर तो कांग्रेस के द्वारा किसानों की कर्ज माफी के बाद मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जो कि देशवासियों के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है। और दूसरी खबर निकल कर आ रही है, बैंक खाता धारकों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। तो एक एक करके दोनों ही खबरों को जानते हैं, फटाफट से बने रहेगा इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल आप सभी को पता होगा, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य शामिल है। लेकिन कांग्रेस द्वारा किसानों के लिए ये सब करने के बाद उधर विपक्ष की मोदी सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं है, उसने भी एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आप देख पा रहे, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों को मनाने की जंग, कांग्रेस की कर्ज माफी के जवाब में मोदी सरकार लाएगी ये योजना। जी हाँ, कांग्रेस की ओर से शुरू की गई किसानों की कर्ज माफी के मुकाबले केंद्र सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई किसान अपना अनाज सरकारी कीमत से कम में बेचते हैं तो सरकार उस अंतर की भरपाई करेगी। मतलब साफ है कि अगर कोई किसान अपनी फसल को MSP के नीचे बेचता है तो उसे MSP और फसल की कीमत के बीच का जो डिफरेंस होगा, उतने रुपए सरकार सीधे ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या है नया फॉर्मूला। इसके लिए किसानों को सरकार को वो रसीद दिखानी होगी जिस रेट में उन्होंने अनाज, गेहूं, दाल, चावल जो कुछ भी बेचे थे, और बाकी वो बीच का डिफरेंस जो कुछ भी होगा, 10,000, 20,000, 50,000, वो सरकार सीधे ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा, कल जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें बैंकों को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है। ऐसे में आप यहाँ देख पा रहे, काउंसिल ने बैंकों की ओर से आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सेविंग अकाउंट, जनधन योजना जैसी महत्वपूर्ण व मुफ्त सेवाओं को GST से मुक्त कर दिया है। यानी कि इसके ऊपर अब आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। ये वाले बैंक खाते खुलवाने के लिए GST जीरो कर दी है, तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य या शहर में रहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को बिल्कुल जरूर दबा देना, ताकि आपको हर काम की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।